फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शास्ता की डायरीज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हम लोग चल रहे हैं डिनर के लिए बहुत ही स्पेशल जगह पे। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। वैसे आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा हम लोग कहाँ चल रहे हैं। तो चलिए, और सहरिश भी आना चाह रही है। यस सर, बोलो। और कुछ? थैंक यू। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं हम लोग डिनर पे, लेट्स गो। तो हम लोग निकल गए थे और ये देखिए इंडिया गेट रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आज भी ठंड बहुत ज़्यादा थी तो लगभग हम लोग पहुंच गए हैं। ये बंगाली स्वीट हाउस है, यहाँ पे मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी मिलती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। तो ये यहाँ का आज का प्राइस है। वेज एंड नॉन वेज का डिफरेंट होता है और हर दिन इसकी प्राइस वो वेरी करती रहती है। और ये यहाँ का मेन्यू है। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था अपने, लेकिन इस व्लॉग में मैं ओवरऑल फुल डिटेल्स में बता रही हूँ। ये यहाँ का ओवरऑल सारा मेन्यू है। वेज के लिए अलग है एंड नॉन वेज के लिए अलग है। और यहाँ पे तंदूर लग रहा है, इस तरह लगता है। और इसमें सीख में बहुत सारी आइटम्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फ़िश का आइटम है, फ़िश फ्राई, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मशरूम, मतलब बहुत सारे आइटम्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टर्स में तो लगभग 25+ आइटम्स होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कॉर्न एंड दही का कबाब, और ये चिकन का आइटम है जो कि बहुत ही यम्मी था। और यहाँ पे ये मोमोज है, यहाँ पे मोमोज, पिज़्ज़ा, पास्ता सब कुछ मिलता है। और ये कुछ आइटम था जिसका। और यहाँ पे ये है पास्ता कॉर्नर, यहाँ पे पास्ता, पिज़्ज़ा आप अपने तरह से भी बनवा सकते हो कस्टमाइज करके। यहाँ पे ये देखिए कितना यम सा है पास्ता लग रहा है। आप वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, कुछ भी वेजीज में डाल के बनवा सकते हो। और आपको वेजीज नहीं पसंद तो सिर्फ सॉस वाला भी बनवा सकते हैं आप। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और ये है डिज़र्ट का काउंटर। यहाँ पे डिज़र्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटी पेस्ट्री, केक, और ये हॉट ब्राउनी विथ चॉकलेट। और उसी के साथ में यहाँ पे हैं कुछ फ्रूट्स हैं जैसे वाटरमेलन एंड पपाया है। और यहाँ पे नान खटाई और नमकीन वगैरह, और ये नान खटाई बहुत ही यम्मी सा था। और यहाँ पे दो फ्लेवर की आइसक्रीम है एंड खीर है एंड बहुत सारे आइटम हैं। डिज़र्ट में तो लगभग 15+ से भी ज़्यादा ही होंगे। और यहाँ पे है ये गुलाब जामुन एंड गाजर का हलवा। और यहाँ पे सैलेड के बहुत सारे ऑप्शन हैं ये देखिए। और यहाँ पे पापड़ है, पापड़ में भी 3-4 ऑप्शन थे। और यहाँ पे सलाद देखिए, चटपटा भुट्टा, चना चाट, अफगानी सलाद, और यहाँ पे मिक्स सैलेड एंड बीट का सैलेड एंड कुछ ये देखिए यहाँ पे कितने सारे आइटम हैं सैलेड के। तो बहुत ही यम्मी सा था सारा, बहुत ही यम था। वैसे तो सारा ट्राई नहीं कर पाई थी लेकिन जितना भी ट्राई किया था वो सभी बहुत ही टेस्टी सा था। एंड यहाँ पे अचार एंड मुरब्बा का आइटम है, जैसे आम का अचार, बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, हरी मिर्च का अचार, और ये सारे यहाँ पे मुरब्बा और अचार है। और यहाँ पे ये हक्का नूडल्स एंड यहाँ पे है हक्का नूडल्स एंड मिक्स वेजिटेबल, एंड यहाँ पे है कढ़ाई मशरूम टका टक, एंड यहाँ पे है दूधी कोफ्ता एंड सरसों का साग, ये है दाल मखनी एंड पेशवारी पनीर, ये बहुत ही यम्मी सा था, ये थोड़ा सा ट्राई किया था। एंड यहाँ पे है वेज बिरयानी एंड प्लेन राइस, एंड ये दाल का आइटम था। एंड ये है मुर्ग दम बिरयानी, अंडा करी, और ये है मुर्ग मक्खन वाला, मतलब चिकन का ये आइटम है। मुर्ग मतलब चिकन होता है, उसी का ये आइटम है। ये मछेर कालिया, धनिया शोरबा, ये क्या होता है? ये समथिंग सूप है। ये कुल्लड़ दा शोरबा,
बस बस एक में ही ले लेते, इसी में सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे फिर तो। तो यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे थे कि, और इसमें हम लोग 3-4 लोग ट्राई किए थे तो इसलिए। और यहाँ पे ये देखिए कितना यम सा था सारा खाना, बहुत ही यम्मी सा था। एंड ये आलू गोश्त, ये है गुलाब जी खीर, वो भी शुगर फ्री, ये दिल्ली का आइटम है, रसगुल्ला बोलना पड़ेगा। एंड ये है चाट कॉर्नर, एंड यहाँ पे चाट में बहुत सारे ऑप्शन थे, लगभग 10+ चाट पापड़ी, एंड ये छोटू सा राज कचौरी, एंड पानी पूरी, भेल पूरी, भेल मूढ़ी एंड झाल मूढ़ी, बहुत सारे ऑप्शन थे। एंड ये ओवरऑल यहाँ का व्यू है, यहाँ पे ये देखिए कितनी इतनी चीज़ें यूज की गई है, बिल्कुल पुराने ज़माने की एंटीक चीज़ें जो कि अभी तो अब कहीं देखने को भी नहीं मिलता। और ये सारे डिज़र्ट में थोड़ा थोड़ा ट्राई किया था वो है, जो कि बहुत ही यम्मी सा था, ये बालूशाही एंड रसगुल्ला आइसक्रीम, एंड यहाँ पे कुछ मुरब्बा के आइटम थे, एंड ये जलेबी एंड रबड़ी। और यहाँ पे सब ने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ट्राई किया था। एंड यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही थी, बच्चों ने भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल पुराने ज़माने की हर एक चीज़ यूज की गई थी, जो कि बहुत ही एकदम एथनिक सा लुक लग रहा था, मतलब बिल्कुल पुराना टच था जो कि बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे ये कुछ राम लड्डू, फटाफट और आम पापड़, बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे भी। और यहाँ पे ये देखिए कैटल वगैरह, और ये पुराने ज़माने का पता नहीं क्या था, ये तो मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ें पहले की थी। और यहाँ पे ये बच्चे लोग अपना फ़ोटोशूट करा रहे थे, यहाँ पे ये ओल्ड लेडी भी है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम लोग आज गए थे बर्थडे पार्टी में, तो बर्थडे का हम लोगों को ट्रीट मिला था उसके लिए, और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। एंड ये कुल्फ़ी ट्राई किया था, कुल्फ़ी भी बहुत अच्छा था। और फिर मीठा पान सब ने ट्राई किया, मीठा पान भी बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर जाइए, ये द जीटी रोड बफेट रेस्टोरेंट है, ये है सीपी में आउटर सर्कल पे। और यहाँ पे टाइम देखिए कितना हो रहा था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइए कैसा लगा। तो जल्दी मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। एंड फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।